أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى اس دور فتن میں اے لوگو ایمان کی حفاظت لازم ہے دوزخ سے اگر بچنا ہے ہمیں اللہ کی اطاعت لازم ہے جب باطل سر پہ چڑھائے جب باطل حق سے ٹکرائے ایمان والو بے خوف و خطر پھر حق کی حفاظت لازم ہے جو دین میں رکھنا ڈالے گا ہم روکیں گے خواہ کوئی بھی ہو پھر جان کی حفاظت کیا مانی پھر دین کی حفاظت لازم ہے بز دل نہ بنو بز دل کے لیے جینا بھی گرا مرنا بھی گرا جینے کو بھی ہمت لازم ہے مرنے کو بھی جرأت لازم ہے عزیز ساتھیوں دوستوں اور بزرگوں اللہ تعالیٰ کئی طریقوں سے مسلمانوں کو آزماتا ہے ہمارے ایمان کو ہماری غیرت کو ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑتا اور بیدار کرتا ہے لیکن دنیا میں 2 ارب مسلمان ہونے کے باوجود ہم ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے نہ ہمارا اپنا کوئی منشور ہے نہ دستور ہے نہ کوئی ضمیر ہے نہ کوئی غیرت ہے سب کچھ ہمیں مستعار ملتا ہے ادھار ملتا ہے ایک وقت تھا مسلمانوں کی نہ صرف انسانوں پر بلکہ دریاؤں سمندروں ہواؤں جنات چرند پرند ان سب پر حکمرانی تھی اس کی وجہ کیا تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر سے آئے مسلمانوں کا ایک پورا لشکر ہے جنگی سفر سے واپس آ رہے ہیں سفر طویل تھا چلتے چلتے شام ہو گئی
और फैसला ये हुआ कि अब सफ़र रोक दिया जाए, हम थक भी चुके हैं, आराम कर लेते हैं, फिर सुबह फजर की नमाज के बाद अपने सफ़र को फिर जारी रखें। लेकिन जिस जगह पड़ाव करने का इरादा था वो जंगल था और खतरे के एतबार से बड़ा मशहूर और मारूफ था कि जहाँ दरिंदे हैं यहाँ रात गुजारना खतरे से खाली नहीं है। हो सकता है हमारे सोते में रात को दरिंदों ने हमला कर दिया तो हम संभल भी नहीं पाएंगे, वो हमें चीर फाड़ के रख देंगे, हम उनका निवाला बन जाएंगे। अब देखिए एक एतमाद, अब ये बात सैयदना फारूक आजम भी सुन रहे हैं, लोग मशवरा दे रहे हैं कि यहां ना रुकें, यहां रुकना तो ऐसा है जैसे मौत को दावत देना। अब ये बातें हजरत उमर सुन रहे हैं, लेकिन देखिए दिल में एक यकीन, अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह पर भरोसा, अपने अहले तौहीद होने का एक मान। एक पहाड़ी के ऊपर चढ़े, जंगल की तरफ रुख किया और एक जोर से आवाज लगाई, हालांकि जानवर भी हजरत उमर की बोली समझते नहीं थे और ना हजरत उमर जानवरों को अपनी बोली समझाना जानते थे। ये सिफत अंबिया में से सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता की थी। पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर जंगल की तरफ मुंह किया और ऐलान किया, ऐ जंगल के दरिंदों, आज रात इस जंगल में गुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बसेरा है, लिहाजा आज रात तुम ये जंगल हमें खाली कर दो। तारीख शाहिद है, सहाबा कहते हैं इस ऐलान के बाद हमने देखा जिन जानवरों के बच्चे थे वो अपने बच्चों को अपने मुंह में दबाए जंगल खाली करके भाग रहे थे। जानवर उनका कहना मान रहे हैं, क्यों? कि वो लोग गुलामाने मोहम्मद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम तो सारे के सारे, क्या वहाबी क्या गैर वहाबी, क्या सियासी क्या मजहबी, हम सारे के सारे गुलामाने अमेरिका है। उसके बगैर तो हमारी मईशत की गाड़ी नहीं चलती। कितनी खुशी होती है जब वर्ल्ड बैंक हमें कर्जा देता है, लेकिन कर्जा हुक्मरान लेते हैं, कहां लगता है, किस पे लगता है किसी को पता नहीं, लेकिन भुगतना और भरना कौम को पड़ता है। बच्चा भी जो दुनिया में आने वाला होता है वो मां के पेट में ही मकरूज हो जाता है।
पिछले 3 सालों में जो आपने सुना कि पिछली हुकूमतों ने अब तक इतने सालों में इतना कर्जा नहीं लिया जितना 3 सालों में लिया गया, लगा कहां? किसी को पता नहीं वो कहां लगा, वो 50 लाख घर कहां बने? जन्नत में बने हूं तो अल्लाह बेहतर जानता, इस जमीन पर नहीं बने। करोड़ों नौकरियां किसको मिली? लोग बेरोजगार हो गए, सड़कों पे आ गए, लोगों के घर तोड़े गए, लोगों की दुकानें तोड़ी गई, जो सालों से लोग बैठे रोजगार कमा रहे थे, बजाय नौकरियां देने के रोजगार छीने गए। लेकिन तज्जिया हम गलत करते हैं, हम तज्जिया कर नहीं पाते कि अल्लाह ये सजा देता क्यों है। फरमाया वमन आरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो बंदा हमारी नाजिल करदा किताब कुरान मजीद से मुंह मोड़ता है, पहलू ते ही करता है, किनारा कशी इख्तियार करता है, दुनिया में हम उसको सबसे पहली सजा ये देते हैं, फइन्न लहु मईशतन ज़ंका, दुनिया में सबसे पहली सजा ये देते हैं कि उसकी मईशत तबाह बर्बाद कर देते हैं, दिवालिया निकलने को आ जाता है, कनालों में रहने वाले छोटे छोटे घरों में आ जाते हैं, बड़े बड़े दफ्तर भी बिक जाते हैं, गाड़ियां बिक जाती हैं, कारोबार ठप हो जाते हैं, फैक्ट्रियां बिक जाती हैं, मुलाजमीन को तनख्वाह ना दे सकने की वजह से मुलाजमीन भी छोड़ जाते हैं। फइन्न लहू मईशतन ज़ंका, कुरान को पसे पुश्त डालने की, कुरान को छोड़ने की पहली सजा दुनिया में यही देते हैं, उसकी मईशत को तबाह बर्बाद कर देते हैं। आज हम दावे करते हैं, मेरे दिल में कुरान की बड़ी अकीदत है, ये तो ठीक है कि मुसलमान का हर बच्चा हाफिज़े कुरान नहीं बन सकता, क्या ये भी नहीं हो सकता कि हम हाफिज़े कुरान नहीं बन सकते तो क्या मुहाफिज़े कुरान भी नहीं बन सकते? हाफिज होना अलग बात है, मुहाफिज होना अलग बात है। कुरान मजीद का दिफा करने के लिए इस्लामी ममालिक आज क्या कर रहे हैं, क्या किया उन्होंने? बैनुल अक्वामी सतह पर कोई ऐसा कानून पास कराया कि जिस जिस की भी कोई मुकद्दसात हैं उनका एहतराम किया जाना चाहिए। मुसलमानों ने आज तक, हालांकि इंजील तौरात तहरीफ शुदा है, असल हकीकत में आज मौजूद नहीं जिस तरह रब्बुल आलमीन ने उतारी थी उस शक्ल में आज ये किताबें मौजूद नहीं, लेकिन मुसलमान फिर भी उनका एहतराम करते हैं। पिछले तमाम अंबिया का मुसलमान एहतराम करते हैं, लेकिन मुसलमानों को कभी हुर्मत रसूल की पामाली करके
कभी कुरान के तकद्दस को पामाल करके, कभी मसाजिद और मदारिस के तकद्दस को पामाल करके, कभी चादर चार दीवारी हिजाब की पामाली करके मुसलमानों को इसी तरह झंझोड़ा जाता है, उनके जमीर को झंझोड़ा जाता है। ये जो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं मुश्ताक साहब, मैं उनका एक बयान सुन रहा था, वो बता रहे थे कि मैं आफिया सिद्दीकी से मेरी मुलाकात हुई और उसने बताया कि जब मुझे अदालत ले जाया जाता है, यानी इसे कहते हैं जहनी टॉर्चर करना ताकि आपको जहनी तौर पर असीयत हो, कि जब मुझे अदालत में ले जाया जाता है, आगे कुरान रखा जाता है और मुझे कहा जाता है पहले इस पे पांव रख फिर आगे अदालत में जाने के लिए गाड़ी में बैठो। ये मुसलमान अरबों खरबों होने के बावजूद हम उस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे किसी घर में एक गुलाम जिंदगी गुजारता है। सारे के सारे हम गुलाम बन चुके हैं। अल्लाह ताला अपने कुरान की हिफाजत करना जानता है, वो हिफाजत करेगा, लेकिन बहसियत मुसलमान के हमारा कोई फर्ज और जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? देखिए रसूलुल्लाह सल्लम की विलादत से पहले अबरा अपने हाथियों का लश्कर लेकर आया बैतुल्लाह पर हमला आवर होने के लिए। आसपास कोई रसूलुल्लाह सल्लम के जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, उनके ऊंट चल रहे थे। अबरा ने फौज के जरिए वो ऊंट सारे पकड़वा लिए। उसको पता चला कि जो काबे का मुतवल्ली है ये उसके ऊंट, वो पकड़वा लिए। एक मंसूबा था कि ये जब ऊंट लेने आएगा हम इसे बोलेंगे कि पहले बैतुल्लाह की चाबी हमारे हवाले करो, हम तो इस नीयत से आए हैं ये ताकि हमसे कोई मुजाहमत ना करे वगैरह वगैरह। जब अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि मेरे ऊंट इन्होंने पकड़ लिए हैं, ये गए। अब वो समझे कि ये चूंकि सरदार है बैतुल्लाह का मुतवल्ली है, ये आएगा हमारे साथ कोई सौदेबाजी करेगा, ले दे करेगा कि आप हमला ना करो, हमसे ये ले लो हमसे वो ले लो। लेकिन उन्होंने जाके बैतुल्लाह के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोला और कहा कि मेरे ऊंट मुझे हवाले करो, मेरे हवाले करो। कहने लगा अजीब तू मुतवल्ली है बैतुल्लाह का कि तू बैतुल्लाह के बारे में कुछ नहीं कह रहा, हम बैतुल्लाह को नौजुबिल्ला ढाने आए हैं, तू उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं कह रहा हमसे, तू अपने ऊंट मांग रहा। देखो हम उस दौर को दौर जाहिलियत कहते हैं, ये रसूलुल्लाह की पैदाइश से पहले की बात, उस दौर को हम दौर जाहिलियत कहते हैं। लेकिन उनका जुमला देखिए, वो कहते हैं ऊंट तो मैं इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि ऊंट मेरे, ऊंट मेरे हैं, ये घर मेरा नहीं है, ये घर जिसका है वो अपने घर की हिफाजत करना जानता। या तो आप भी ऐसा कहो कि या अल्लाह ये कुरान हमारा नहीं है, ये तेरा कलाम है, तू जान तेरा काम जाने, तू जान तेरा कलाम जाने, ये मस्जिद तेरा घर है, कुरान तेरा है, हम तो बस
मुसलमान है, हमने कलमा पढ़ा हुआ है बस, या तो फिर एकदम खुल के सामने आ जाए, फिर अल्लाह तो हिफाजत करेगा ही करेगा। और ऐसा नहीं कि अब्दुल मुत्तलिब ने जुमला कह दिया बस, उसने जब ये कहा अबरा ने भी जोश में आकर ऊंट सा, वापस करो इनको ऊंट, ये कौम क्या लड़ेगी जिनको अपने ऊंटों की पड़ी हुई है और बैतुल्लाह की फिक्र ही नहीं। वो जब ऊंट लेके चला गया और अबरा ने हाथियों के लश्करों को कहा कि बैतुल्लाह की तरफ कूच करो, छोटे देखो अल्लाह जब किसी को जलील करता है, ये जो हमारे यहां आम चिड़िया पाई जाती है ना जिसामत में, वो इससे भी थोड़े पतले और छोटे हैं, अबाबील जिनका नाम, झुंड के झुंड अल्लाह ताला ने भेजे लश्करों के मुकाबले में अबाबीलों के झुंड, इसे कहते हैं रब। पंजों में कंकरियां हैं, सिज्जील ऐसी कंकरी को कहते हैं जो हर तरफ से नोकीली, उस कंकरी को पकड़ा हुआ है और इतनी हाइट से ऊंचाई से उसको फेंकती है। और क्या अल्लाह ने उन कंकरियों में कुव्वत रखी है कि जिस हाथी पर, जिस बंदे पर वो गिरती है उसके जिस्म से पार हो जाती है। बाज दफा बंदूक की गोलियां भी पार नहीं होती, अंदर हड्डी से टकरा के अंदर कहीं रुक जाती है। लेकिन क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत थी, हाथी के जिस्म से भी वो कंकरियां आर पार हो जाती, देखते ही देखते हाथियों का पूरा लश्कर इस फुस बन गया। और अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत की, या तो फिर उसी तरह हम कह दें, मेरे भाई हम अगर कुछ भी नहीं कर सकते, देखिए कुरान मजीद आज मुसलमानों से फरियाद करता है कि मुसलमानों तुमने मेरे साथ किया क्या है, किया क्या, बस तावीज बनाया गले में लटकाया या घोल घोल के पी गए, धो धो के पी गए, पूरा कुरान पी बैठे। हमने ये अदब, ये एहतराम, ये कुछ कुरान हमसे फरियाद करता है, बड़ी अजीब फरियाद। फरमाया जब कौलों कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, जब कौलों कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूं, जुजदान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूं, किस घर में मेरा जिक्र नहीं, किस बज़्म में मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मज़लूम नहीं, ये मुझसे अकीदत के दावे कानून पे राजी गैरों के, ये मुझसे अकीदत के दावे कानून पे राजी गैरों के, यूं भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूं, तावीज बनाया जाता हूं,
धो धो के पिलाया जाता हूँ। मेरे भाई इस दलदल से, इस जहालत से बाहर आइए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं इकराउल कुरान फइन्नहु याती यौमल क़ियामत शफीअन लिअस्हाबिही। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, कुरान को पढ़ा करो, कुरान से मोहब्बत किया करो, इसलिए कि क़ियामत के दिन ये तुम्हारा सफारशी बनकर अल्लाह की दरबार में आएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सूरा मुल्क जो 30 आयात पर मुश्तमिल है, रोज़ आखरत, एक बंदा जो रोज़ाना दुनिया में इसकी तिलावत किया करता था दोज़ख में जाने का फैसला हो चुका होगा। ये सूरत आएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से झगड़ा करेगी, मुनाजरा करेगी और कहेगी इलाहुल आलमीन ये बंदा रोज़ाना मेरी तिलावत किया करता था, मेरी तिलावत करने वाला आज दोज़ख में जा रहा है, या तो इसे दोज़ख के बजाय जन्नत में वापस कर या मुझे अपने कुरान से निकाल दे। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल्लाह उस सूरत की लाज रखेगा और उस बंदे को बख्श देगा, उस बंदे को बख्श देगा। अल्लाह के हबीब ने फरमाया मन अहब्बा, जो बंदा ये महबूब रखता है, इस बात को पसंद करता है, अन युकल्लिमा रब्बहु, वो अपने रब से कलाम करे, अपने रब से बातें करे, फल यकरा अल कुरान, उसे चाहिए कि वो कुरान को पढ़े, फल यकरा अल कुरान, उसे चाहिए कि वो कुरान पढ़े। अगर वो ये पसंद करता है कि मैं अपने रब से बातें करूं, कुरान रब से बातें करने का नाम है। हमने कुरान की अजमत को समझा ही नहीं, हमने कुरान की अजमत को समझा ही नहीं। मेरे भाई हुकूमतें ममालिक एहतजाज करें, वो एहतजाज इस तरह नहीं कि अपनी गलियां बंद कर लिए, दो झंडे लगा लिए, कैंप लगा के बैठ गए, दो चार बसें जला दी, दो चार गाड़ियां जल, ये एहतजाज नहीं। इस्लाम इसे पसंद नहीं करता। हुकूमती सतह पर अपना सफीर वहां से वापस बुलाए, उनके सफीर को यहां से निकाले, फिर वहां की जितनी मसनूआत हैं अगर वो हमारे मुल्क में आती हैं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसकी लिस्ट जारी करें, उसकी लिस्ट जारी करे कि वहां से क्या क्या हमारे पास आता है। फर्ज कर लीजिए कोई साबुन है, फर्ज कर लीजिए कोई शैम्पू है, फर्ज कर लीजिए कोई और चीज है, कोई मशीनरी है, आप बैकाट करें कि आज से हम नहीं खरीदेंगे, आज से हम ये नहीं खरीदेंगे, कोई ऐसा मुअस्सर एहतजाज करें, पता चले कि ये जिंदा कौम है, ये मुस्लिम कौम है, ये कुरान पे चलने वाली, कुरान को मानने वाली, ये कुरान के आप पर हक है, हक। कुरान मजीद से मोहब्बत करना, इसका एहतराम करना, इसकी तिलावत करना, इसको समझना तर्जमे के साथ, फिर इस पर अमल करना और फिर इसकी तबलीग करना, इसकी दावत देना, ये कुरान मजीद का हक है हम पर, हर मुसलमान पर ये फरीजा, ये सिर्फ मौलवियों का फरीजा नहीं है। हाँ, या तो बोलो कि हमारे इलाके में सिर्फ मौलवी मुसलमान है, हम मुसलमान नहीं, फिर तो चलो बात बनती है। अगर आप भी मुसलमान हैं और यकीनन मुसलमान हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी भी है, उलमा का फरीजा ये है वो आपको बेदार करें, सही मशवरा दें, सही रहनुमाई करें और एहतजाज के जो शरी तक तकाजे हैं उसके मुताबिक आपको आमादा करें। जलाओ घिराओ इस्लाम को पसंद नहीं है, जलाओ घिराओ पसंद नहीं है, जो मुअस्सर चीजें हैं इसी तरह
अक्वाम मुत्तहदा के अंदर भी मुस्लिम ममालिक भी शामिल हैं, वहाँ एक मुश्तरका कानून, ऐसा बिल पास कराया जाए कि किसी को भी हक नहीं है आज़ादी राय के नाम से, किसी के भी नाम से, कि वो किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह करे और वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करें। कभी रसूलुल्लाह के नऊज़ बिल्लाह खाके बनाए जाते हैं, कभी किस तरह, कभी किस तरह, कभी इन बरगुजीदा हस्तियों पर फिल्में बनाई जाती हैं और वो अंग्रेज़ दाढ़ी मुंडे उनको नकली दाढ़ियाँ लगाकर मुख्तलिफ किरदार सौंपे जाते हैं, ये अबू बकर है, ये उमर है, ये फलां है, ये फलां। मुसलमानों कहाँ खो गई हमारी गैरत? बुज़दिल न बनो, बुज़दिल के लिए जी ना भी गिरा मरना भी गिरा, जीने को भी हिम्मत लाजिम है मरने को भी जुरत लाजिम है। मेरे भाई, मरने के लिए भी जुरत चाहिए, जीने के लिए भी जुरत चाहिए। ऐसे जिए जैसे अबू बकर सिद्दीक जीते थे, उमर फारूक जीते थे, उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु जीते थे। कल उनका यौम शहादत, कमाल, अल्लाह ताला ने क्या तकवा दिया, क्या तकवा दिया। लोगों ने पानी बंद कर दिया उस मीठे कुएं का जिस कुएं को हजरत उस्मान ने खरीद कर मुसलमानों से पैसे लिए बगैर खरीद कर मुसलमानों को वक्फ किया, उस कुएं का पानी हजरत उस्मान पर बंद कर दिया। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहसियत मुस्लिम हमारी कुछ जिम्मेदारियां रखी, तो एक तो सजा दुनिया में अल्लाह हमें दे रहा कुरान को छोड़ने की, फ़इन्ना लहू मईशतन ज़ंका, कि तुम्हारी मईशत, तुम्हारी इक्तसादी पॉलिसियां सब फेल हो जाएं, सब फेल हो जाएं। देख लें, कर्जा मिलने के बावजूद मुर्गी, हालांकि मौलवी मुर्गियां कम खाते हैं, खासकर ये बलैरल मुर्गियां तो हम खाते ही नहीं, मौलवी तो बकरे खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो महंगी हो भी जाए हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। अल्लाह ताला हमारे घर में हलवे बेचता है, सच्ची बात है, चीनी कितने रुपए किलो हो जाए हमें पता भी नहीं होता, इसीलिए हर मौलवी थोड़ा थोड़ा शुगर का मरीज होता है। हलवा मुफ्त मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई परवाह नहीं, लेकिन आप जब अल्लाह के बन जाते हैं फिर अल्लाह ताला आपका हो जाता है, तो पहली सजा तो हमें मिल ही रही है। और दूसरी सजा क्या है? फरमाया वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, क़यामत के दिन जब ये लोग उठेंगे जिन्होंने हमारे कुरान को दुनिया में पसे पुश्त डाल दिया, अपनी जिंदगी से निकाल दिया, अपने आप को कुरान के कालब में ढालने के बजाय अंग्रेजी कालब में ढल गए। फरमाया रोज़े आखिरत जब रब्बुल आलमीन इनको उठाएगा, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, आंखों की नेमत से महरूम होंगे, अंधे बनकर उठाए जाएंगे, सवाल करेंगे इलाहुल आलमीन लिमा हशरतनी अमा, तूने हमें नाबीना क्यों उठाया, हम तो दुनिया में देखने वाले थे, हमारी तो आंखें थीं, लोग हमारी आंखों की तारीफ किया करते थे, कोई कहता है इसकी आंखें देखो झील जैसी हैं, कोई कहता कि इसकी आंखें तो नील गाय जैसी हैं, कोई कहता कि इसकी आंखें तो गजाल जैसी, हिरन जैसी हैं, लोग मेरी आंखों की तारीफ किया करते थे, लिमा हशरतनी अमा, अल्लाह तूने मुझे आज अंधा करके क्यों उठाया, मेरी तो इतनी खूबसूरत आंखें थी, लोग मिसालें देकर बयान करते थे
कि लोग कराची के समंदर की बात करते हैं, लेकिन लोग तो मेरी आंखों में डूब जाया करते थे। इतना खूबसूरत आंखें थी मेरी, लिमा हशर तनी आमा, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया। काल कदालिक, सुनिए रब्बुल आलमीन का जवाब। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे, काल कदालिक काल रब्बुक, काल कदालिक इसी तरह अतद का आयात होना, तेरे पास हमारी आयात कुरान की शक्ल में आई थी, फनसी तहा तूने उनकी परवाह न की, कुरान को तूने भुला दिया। वकदालिकल यौमा तुनसा, तू दुनिया में हमारे कुरान को भूल गया, आज आखिरत में हम तुम्हें भुलाए देते हैं। हालांकि अल्लाह भूलने से पाक, भूल चूक से रब्बुल आलमीन पाक है, लेकिन फिर भी रब्बुल आलमीन ने कहा, जिस तरह दुनिया में तूने हमारे कुरान से मुंह मोड़ा, आज हमारी रहमत ने तुम्हें छोड़ा। तुझे दुनिया में हमारे कुरान की कोई परवाह न थी, आज आखिरत में हमें भी तेरी कोई परवाह नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दोस्ती रखने के लिए कुरान को वसीला बनाया, कुरान को जरिया बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जनाजा पढ़ाया, एक सहाबी का जनाजा था, उनका अपना नाम भी मुआविया था, वालिद का नाम भी मुआविया था, ये मुआविया बिन अबी सुफियान नहीं, मुआविया बिन मुआविया। अल्लाह के रसूल ने जनाजा पढ़ाया, जनाजा पढ़ाकर जब मजमे की तरफ रुख किया तो जिब्रील अमीन ने आकर आपको मुसाफा किया। आपने फरमाया, जिब्रील आप भी इस जनाजे में शिरकत के लिए आए हैं? फरमाया कि सिर्फ मैं नहीं, 70,000 फरिश्तों का लश्कर अल्लाह ने भेजा है मेरी क़यादत में, उनको लेकर आया हूँ इस बंदे के जनाजे में। आपने पूछा, जिब्रील इस बंदे में क्या खास बात थी, क्या खास बात थी जो जनाजे में अल्लाह ने तुझे और तेरी क़यादत में 70,000 फरिश्तों का लश्कर भेजा? हज़रत जिब्रील ने कहा, अल्लाह के रसूल, इसमें एक खूबी थी, कान यकरा कुल हुवल्लाहु अहद माशियन राकेबन कायमन अव कायदा, कि ये चल रहा होता, बैठा होता, खड़ा होता, सवारी पर होता, ये हर वक्त कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता रहता था, यानी सूरह इखलास पढ़ता रहता था, जिसे अल्लाह के रसूल ने सुलुस कुरान कहा है। सुलुस कुरान, ये कुरान की तिहाई है, एक दफ़ा पढ़ो तो 10 पारों के बराबर सवाब मिलता है, 3 दफ़ा पढ़ लो तो पूरे कुरान का सवाब मिलता है। वो इसे पढ़ा करता था। जनाजा अल्लाह के नबी ने पढ़ाया और अल्लाह ताला ने पीछे जिब्रील अमीन को भेजा, 70,000 फरिश्तों को भेजा। जब उन्होंने उनके लिए मगफरत की दुआ की होगी, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे बख्श दिया होगा। मेरे भाई, कुरान से मोहब्बत कीजिए, कुरान पे अमल कीजिए, कुरान को समझने की कोशिश कीजिए, कुरान का दिफा कीजिए। कुरान हमारे दिफा का मोहताज नहीं है, हमारे अपने ईमान की हिफाजत इसमें है कि हम कुरान का दिफा करें। यह ईमानी गैरत का तकाजा है कि हम कुरान का दिफा करें। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत दे और जितने आलम इस्लाम की रियासतें हैं उन तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत दे, इन्हें एक कर दे, ताकि तमाम मुसलमान अपने लिए एक इस्लाम का कला बना लें। यकीन मानिए, हम एटमी कुव्वत होने के बावजूद ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इससे बड़ी ज़िल्लत और क्या हो सकती है। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक्वम, फरमाया यह कुरान वो किताब है जो सीधा रास्ता दिखाता है, बिल्कुल सीधा रास्ता, और ये वो कुरान है जो दिल्लु बिही कसीरम यहदी बिही कसीरा,
बहुत सारे लोग कुरान के जरिए गुमराह हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जन्नत में जा पहुंचते हैं, राह रास्त पर आ जाते हैं। जो कुरान को सुनता है, समझता है, अमल करता है, कुरान उनको यरफ़ाउ बिहाज़ल किताब अकवामन, इस कुरान के जरिए अल्लाह ताला बहुत सारी कौमों को ऊंचा करता है और बहुत सारी कौमों को पस्त करता है जो इस कुरान को छोड़ देती है, जैसे हमने छोड़ा हुआ है। फिर अल्लाह ताला उनको इसी तरह बस्तियों में धकेल देता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में कुरान की, इस्लाम की, मस्जिद की, रसूल की, सहाबा की, अहले बैत की मोहब्बत पैदा फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।